चलिए अभी मैं उठी हूँ 6:30 बजे और अभी 7 बज चुका है। ऐसे वैसे इधर उधर करते करते और अब तक ना मैंने पानी पिया है, ना चाय पिया है, कुछ नहीं पिया है। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है आज पटना का, देख लो बहुत अच्छा मौसम है और मतलब हवा बहुत अच्छी चल रही है और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस चलिए सुबह उठ के मैं ऐसी दिखती हूँ इस तरह से। और ये मेरा बालकनी है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ। तो चलिए पहले मैं पानी पीती हूँ सुबह उठ के, नींबू पानी। तो नींबू पानी बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए यहाँ पे जो है पानी गर्म कर रही हूँ मैं, ये दो लोगों के लिए है, मैं और मेरी दी। तो हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे इसको। एक जाएगा मेरे वाले ग्लास में, एक जाएगा मेरी सिस्टर वाले ग्लास में। ओके, तो एक ग्लास में ये जाएगा हनी, ये मेरी सिस्टर का ग्लास है, बड़ी दी का। मैं नहीं पीती, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया हनी डाल के, इसीलिए मैं नहीं पीऊँगी। एक ग्लास में हनी है, एक में नहीं है। तो चलिए अब हवा तो काफ़ी अच्छी चल रही है, तो उधर ही चल के पियेंगे हम लोग। गाइस तो मैं आ गई हूँ बालकनी में अब पानी पीने के लिए गर्म गर्म। ओके, तो मैंने जो है ब्रश कर लिया है और पानी पी रही हूँ। इसके बाद थोड़ी देर में चाय बनेगा, चाय पीऊँगी। तो ये मेरा लॉकडाउन रूटीन है, मैं आपके साथ लॉकडाउन रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं जब लॉकडाउन है तो क्या करती हूँ पूरा दिन, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ सुबह सुबह, और बालकनी में हूँ तो अगल बगल में लोग सुन ना लें, इसीलिए धीरे। पानी करते हैं नींबू पानी, इंजॉय। पीछे मैंने ये चादर रख दिया है ताकि उधर के लोग मुझे ना देख पाए। मैं बहुत दिन से नींबू पानी पी रही हूँ, फिर भी मुझे इसका हैबिट नहीं हुआ है, उतना अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं सुबह जब भी उठती हूँ सबसे पहले आती हूँ बालकनी में अपने पौधों को देखने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधा लगाना और देखना उसको सुबह सुबह उठ के। तो मैं आकर पूरा एक एक जो भी है मेरा, ऊपर में भी है विंडो पे, तो जो भी है वो सब मैं आकर ना एक बार देखती हूँ। ये मेरे करी लीव्स, मैंने एक बार दिखाया था करी लीव्स को, और दिखाती हूँ फ्लावर एक। ये देखो ये वाले फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं, और ये तो सूख गया, ये बहुत अच्छा था, बट ये सूखा हुआ है अभी, तो हुआ था बीच में बट अभी नहीं है। ये देखो ये है मेरे मिर्च का पौधा, यहाँ पे है गेंदा का फूल, गेंदा का पौधा है सारा छोटा छोटा। ये मेरे काली लीव्स, और ये है मिर्च का पौधा, यहाँ भी है मेरे काले लीव्स। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ऐसा ना हो कि ये फिर से टूट जाए। फिर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक बार टूट चुका है यहाँ से, देखो आप यहाँ पे दिख रहा है ना यहाँ से। फिर मैंने इसको टेप मार के ज्वाइंट किया था, तब जाके ये फिर से खड़ा हो गया है अपने पैरों पर। और यहाँ है मेरा अड़हुल का पौधा, ये मेरे समी के पेड़, और भी यहाँ पे देखो कली आया है इसमें छोटा छोटा, देख रहे हो ना। मुझे देखो और मेरे ड्रेस देखो कैसे उड़ रहा है, बहुत हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। देखो मेरे बाल कैसे उड़ गए। ओके गाइस, तो चलिए पानी पी लिया है एंड अब चाय बनाते हैं। ब्रश मैंने कर लिया है तो चाय बनाऊंगी और हम लोग सब चाय पियेंगे, मैं मम्मी पापा और दी, बस हम चार लोग चाय पीते हैं और कोई नहीं। और बाकी मेरी बाबू जो है ना अभी सोई हुई है, इसीलिए वो मेरे पास अभी तक नहीं आई है एक बार भी, तो दिखाते वो सो रही है अभी। ये देखो ये सो रही है, सो। तो चलिए अब ये उठेगी तब इससे मिलवाएंगे आपको, और अभी चलते हैं चाय बनाने।
गाइस, तो मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। मेरी सुबह जो है वो बिना चाय के नहीं होती है। चाय चढ़ाते हैं। हम डाल देंगे इसमें चीनी और चाय पत्ती। ये रहा चीनी का डब्बा, ये रहा चाय पत्ती का डब्बा। अदरक लेकर आती हूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अदरक मिला है, बट इससे कुछ नहीं होने वाला, और लेकर आना पड़ेगा। और डालेंगे चलिए अदरक को भी डालेंगे, तो क्रश कर लेते पहले इसको। तो उसमें भर भर के अदरक वगैरह चाय में मसाला डाल के पीजिए, चाय मतलब मसाला चाय पीजिए। तो ये सब मैं डाल दूंगी इसमें, और भी है ये भी डाल दूंगी। ये जो मेरा सेल्फ है ये पूरा क्लीन रहता है हमेशा, मेरी मम्मी इसको हमेशा क्लीन करते रहती है। गाइस चाय मैंने बना लिया है, ये रहा मेरा चाय। करते हैं चाय एंजॉय इस अच्छे अच्छे मौसम में, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। चलिए चाय पी लेते हैं। अब जब दी नहीं होती है तब तो अकेले ही चाय पीती हूँ, मम्मी पापा के साथ पीती हूँ मीन्स, लेकिन दी रहती है तो दीदी के साथ ही चाय पीती हूँ। ये है मेरी दी की चाय। पापा मम्मी क्लास में ही पीते हैं, उनको कप पसंद नहीं है पीना, हम लोग कप नहीं। देखो हवा चल रहा है कितना। ओके तो मिलते हैं चाय पीने के बाद। गाइस तो अब मैं जा रही हूँ अपना काम स्टार्ट करने, बैठकर मोबाइल भी चला लिया मैंने। तो जो काम करना है उसके पहले प्रिपेयर होना पड़ता है बहुत अच्छे से। बन बना लिया मैंने और अब चलूँ काम स्टार्ट करने। तो वो काम क्या है वो अभी दिखाती हूँ, वेट। ओके तो ये है, ये मेरा काम, झाड़ू और पोछा। अभी तो मैं फ्रेश लग रही हूँ ना, उसके बाद देखिएगा झाड़ू पोछा करने के बाद मैं कैसी लगूंगी। तो आज तो वैसे गर्मी नहीं है तो स्वेट नहीं आएगा, तो फेस ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज जिस दिन गर्मी होती है उस दिन तो स्वेटिंग पूरे फेस पे मीन्स हर जगह मेरा जो है स्वेट रहता है एंड हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि पता है ना फैन ऑफ करके लेना होता है झाड़ू। तो चलिए मिलते हैं आपसे। ओके गाइस तो देखिए झाड़ू पोछा मैंने आ गई ये जाग गई है, देखो इसको। मैंने जो है झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैंने कूलर भी क्लीन किया, और उसके बाद फ्रिज में ना पीछे में पानी पूरा जम जाता है ना कभी कभी, तो उसको भी क्लीन किया। मैंने बहुत सारा काम किया मैंने अभी जस्ट, एंड देख लो गई थी तो थोड़ा बाल वाल तो ठीक ही था, अभी देख लो कैसे बिखर गया है थोड़ा। ओके तो अब बता देते हैं कि 9 बज चुका है घड़ी में, और मैं मॉर्निंग क्या वाओ क्या है इसमें वाओ कर रही हो। ओके तो अभी मैंने बोला कि मुझे नींबू का चाय पिला दो, सुबह में तो मैंने चाय बनाया था, तो अभी लेमन टी बन रहा है तो उसको पियेंगे, उसके बाद मैं सार लूँगी, उसके बाद फिर मिलूँगी आपसे। और ये जो है ना बस जैसे देखती है कि कैमरा ऑन हो गया, इसकी मासी जो है वो आ गई वीडियो बनाने, बस इसको भी आ जाना है वहीं पे मुझे तंग करने के लिए। तंग नहीं करती है, बहुत प्यारी है। आपने देखा होगा मेरे मेकअप वाले वीडियो में ब्लूपर्स, ये मुझे वीडियो भी नहीं बनाने देती है, इसीलिए मैं ज़्यादातर ब्लॉग्स बना रही हूँ, क्योंकि उसमें साउंड आएगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेकअप वीडियो या कुछ भी और बनाऊँगी उसमें साउंड आता है तो फिर। तो मेरा लेमन टी आ चुका है, ये छोटी सिस्टर ने बनाया है, और मैं जो हूँ योगा इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा करके मेरा योगा हो जाता है, तो मुझे स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ़ायदा है इसमें। छोटी सिस्टर ने बनाया, बहुत टेस्टी है।
तो टीवी ऑन हो चुका है मेरे घर में और अब मिलती हूँ आपसे बाद में। आप इसका सारा जो भी खाती है ना वो बट जाता है इसी तरह से। बहुत टेस्टी चॉकलेट है। इसका नाम है क्या नाम है बेटा? देखिए तुम्हारा नाम नहीं चॉकलेट का नाम। इसका नाम है कैंडी मैन फैंटास्टिक। बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था। गाइस तो मैं आ चुकी हूँ नहाकर और अभी बज रहे हैं 11:15 हो रहा है मैं सभी। और अब कर लूँगी स्किन केयर अपना। तो सबसे पहले स्किन केयर मैंने शेयर कर दिया है तो बस मैंने शावर ले लिया है एंड स्किन केयर भी कर लिया है। तो अब आ गया है नाश्ते का टाइम और ये है मेरे पास नाश्ते में रोटी और ये आलू बैंगन की सब्जी है जो कि मेरी मम्मी ने बनाया है। इसको खा लूँगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी वो दिखाऊँगी आपसे। तो मिलते हैं खाने के बाद। गाइस थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और इसको देखिए। हेलो गाइस अभी जो है वो बज चुका है 2 और मैं एक वीडियो शूट कर रही थी इसीलिए देख रहे हो आप मेकअप किया हुआ मैंने। और मौसम देख लो बहुत मस्त है, 2 बज रहा है लेकिन धूप जरा सा भी नहीं है। और मेकअप उतना कोई खास मेकअप नहीं किया है मैंने। शूट करते करते ना मुझे भूख लग गई है और वैसे भी मतलब मौसम बहुत अच्छा है। देखते हैं क्या बना है, खाऊंगी फिर आपके साथ करती हूँ शेयर कि मैंने क्या खाया। तो चलें मेकअप मैं पहले रिमूव कर लेती हूँ ठीक है, उसके बाद खाऊंगी। इस तरह से नहीं खाने वाली, लिपस्टिक लगा के खाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाहर जाने पर तो क्या बोलते हैं उसको, मजबूरी हो जाती है। ओके गाइस तो बज चुका है 3 मीन्स 3 बजने वाला है, बस 10 मिनट बाकी है। मुझे बहुत जल्दी भूख लगी थी तो मैं अपना खाना लेकर आ गई हूँ और मेरे पास है ये चावल है, दाल है, ये सुबह वाली सब्जी है, थोड़ा सैलड है एंड अचार है। तो मैं करती हूँ इसको इंजॉय। बहुत जोर की भूख लगी, बहुत देर से वेट कर रही थी। मेरा आज मीटिंग था तो मीटिंग में थी तो इसलिए खाना नहीं खाई। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। गाइस तो अब हो चुका है शाम और सारा काम धाम करके देख रहे हो ना कैसे सो कर उठी हूँ मीन्स कैसे देख रहे हो बाल वाल कैसे बिखरा पड़ा है ऐसे और फेस भी अजीब लग रहा है क्योंकि अब सुबह से लेकर शाम हो चुका है और फेस में मैंने कुछ भी नहीं किया। मेकअप जो किया था वीडियो बना रही थी तो वो भी हटा दिया है। तो अब हो गया है चाय नाश्ते का टाइम। तो ये रहा मेरा चाय और ये रहा नाश्ता। और नाश्ते में कुछ भी नहीं वैसा, बस ये नमकी थोड़ा सा है, ये बना था मेरे घर में कल, बस इसी को खाऊंगी। ऐसे भी मैं चाय जो है ना सिर्फ ऐसे ही शाम में लेना पसंद नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए उसके साथ खाने के लिए। ओके गाइस तो अब चाय नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। अब रात में क्या करूँगी, अगर कुछ इंटरेस्टिंग किया तो दिखाऊंगी, अदरवाइज खाने के टाइम में मीन्स डिनर के टाइम में मिलूंगी आपसे। तो मेरा कुछ वर्क था तो वो मैंने कर लिया है एंड अब सॉन्ग सुनती हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश करती हूँ। और अंशिका जो है ना वो लोरी सुना रही है चंदा मामा दूर के, आप लोग को भी सुनाएगी ताकि आप लोग को अच्छे से नींद आ जाए। ऐसे भी रात होने ही वाली, होने वाली क्या, हो चुकी है 8:30 हो चुका है। अब वो ना बेड पे चढ़ रही है। Okay.
आई या नहीं बताइएगा। तो टीवी देखेंगे, फिर खाना बन जाएगा तो खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद में क्या करूंगी, कब सोती हूँ वो दिखाती हूँ आपको। ओके गाइस, तो मैंने डिनर कर लिया है और अब सोने का टाइम हो गया है। तो सोने से पहले मैं अपना नाइट स्किन केयर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सोने जाऊँगी। एंड हाँ, मेरे साथ होता क्या है ना, कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ, कभी कभी मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगता है अचानक से और सो जाती हूँ। स्किन केयर तो बिल्कुल भूल ही जाती हूँ, बट आज मुझे याद है तो इसलिए कर लेते हैं आपके साथ स्किन। गाइस, तो स्किन केयर मैंने कर लिया है और आप देखो, लाइट में दिखाती हूँ अपने फेस को। ये देखो लाइट में मेरा फेस, उधर जो है ना लाइट नहीं है तो जिसके कारण आपको अंधेरा दिख रहा है, बट यहाँ देखो मैं लाइट के सामने आपको दिखा रही हूँ अपने फेस को। ओके गाइस, तो 11:00 हो चुका है, तो 11 बज चुका है, तो अब सोने का टाइम हो चुका है और बाकी सब लोग बेड पे जा चुके हैं सोने के लिए। तो चलिए, कैसा लगा आपको मेरा ये लॉकडाउन रूटीन मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, एंड वीडियो अच्छे लगे तो इसको कीजिएगा लाइक। तो चलो अब सोने और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।